नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आपने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में आई है, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। शानदार प्रदर्शन के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, हो गया काम, जय श्री राम। एमसीडी उपचुनाव में जीत के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि आप कार्यकर्ताओं को बधाई। संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनावी राज्यों में नए कृषि कानूनों को लेकर अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस दौरान लोगों को किसानों के प्रति सरकार के व्यवहार के बारे में बताया जाएगा। किसान यूनियन चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। एसकेएम के प्रतिनिधि भी इस उद्देश्य के लिए इन राज्यों का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि संगठन की ओर से 12 मार्च को बंगाल में रैली निकालेंगे। संगठन के पदाधिकारी योगेंद्र यादव ने बताया कि 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने का ऐलान किया गया है। इस दौरान केएमपी एक्सप्रेसवे में करीब 5 घंटे ब्लॉक रखा जाएगा। इसी के साथ सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण के विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में नया ट्विस्टर सामने आया है। लखनऊ पुलिस का दावा है कि बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर गोली चलवाई। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि जिस पिस्टल से गोली चली थी उसे हमने रिकवर कर लिया है। घटना को लेकर तहकीकात जारी है। आदर्श ने पुलिस पूछताछ में कहा कि सांसद के बेटे ने कहा था कि किसी को फंसाना है, साजिश के तहत हमला करवाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने जाने का प्लान था। बीजेपी के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के इसलिए इसी हफ्ते उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगे। इसको लेकर आज बीजेपी की को और बैठक की गई है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं के बाद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि हाँ वो गलती थी, लेकिन तब हो गया था, आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में अस्तूरी लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कई सालों से कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए मेरी ही पार्टी के लोगों ने मेरी आलोचना की। गुजरात में तहसील पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका चुनाव में भी बीजेपी को जोरदार जीत मिली है। बीजेपी के खाते में 4,771 सीटों में से 3,391 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस को 1,252 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं आपने पूरे प्रदेश में 31 सीटों पर जीत हासिल की है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर से टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर के विधायकों की अयोग्यता के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का निर्वाचन आयोग ने खंडन करते हुए ऐसी किसी भी चर्चा को लेकर इनकार किया है। दिल्ली सरकार ने पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित 13 सरकारी संस्थानों का दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय में विलय करने का फैसला लिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी पुष्प विहार में एक नए वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर की शुरुआत करने जा रही है। चुनावी बिगुल बजने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 20 चुनावी जनसभाओं और पड़ोसी राज्य असम में 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में बड़ी रैली करेंगे। आयशा मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उस बच्ची का वीडियो देखा, दहेज के लालच को खत्म करना चाहिए, बीवी पर जुल्म करना मर्दगानगी नहीं है। ओवैसी ने साफ शब्दों में दहेज उत्पीड़न का विरोध करते हुए कहा कि इस्लाम में दहेज जैसा शब्द ही नहीं है, लेकिन ये लोग दहेज के लोभी हैं जिन्होंने दहेज को एक धंधा बना दिया है। देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,11,39,516 हो गई है। वहीं अब तक 1,57,346 लोगों की मौत हुई है।
देश में पिछले 24 घंटे में 14,979 नए कोविड 19 के मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 98 मरीजों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल के 8 चरणों में मतदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में आयोग के इस फैसले पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की हलचल के दौरान राज्य सरकार ने 18 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इस दौरान 6 जिलों के डीएम और 4 मंडलों के कमिश्नर बदले गए हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए नीतीश सरकार ने मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि पहली बार बिहार में पंचायत चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। हाथरस में दबंगों की गोली का शिकार बने अमरीश की बेटी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। इस दौरान उसने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की। उधर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अभी तक मुख्य आरोपी गौरव पुलिस की पहुंच से बाहर है। पुलिस का दावा है कि उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोट मामले में जांच अधिकारी को बदल दिया गया है। अब इस जांच की जिम्मेदारी सहायक पुलिस आयुक्त नितिन अलकनूरी को मिली है। लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड के बाद शूटर गिरधारी का एनकाउंटर किए जाने के मामले में पुलिसकर्मी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पुलिस वालों को राहत देते हुए मुकदमा दर्ज कराने के फरमान पर स्टे ऑर्डर दे दिया है। इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही ने अपना पक्ष रखा था। यमुना प्राधिकरण नोएडा फिल्म सिटी से लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पॉड टैक्सी चलाने की योजना बना रही है। ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक पॉड टैक्सी चलने के बाद शहर के लाखों लोगों को बड़ा फायदा होगा। इससे खर्चा कम होगा और प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान देश के कई हिस्सों में गर्मी से राहत मिलने की बात कही है। कई राज्यों में शीतलहर के साथ साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में अगले 6 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वहीं 8 मार्च तक राजधानी का तापमान 33 डिग्री तक रह सकता है। झारखंड के देवघर में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें टोटल 25 वाहन पकड़े गए और 19 वाहन को जुर्माना लगाया गया है। जमशेदपुर में एक बुजुर्ग दंपति से 6 लाख रुपए लूट करने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी सीटीएस पी सुभाष चंद्रपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। जालंधर में एक निर्माणाधीन कोठी में हुए डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों में अपराधियों को पकड़ लिया है। दूसरा अपराधी अभी फरार है। राजस्थान के चूरू में सरकार की बैंकों के निजीकरण करने के खिलाफ आम जनमानस ने भारतीय स्टेट बैंक के सामने धरना प्रदर्शन किया। बिहार के समस्तीपुर में जदयू भाजपा गठबंधन के 19 लाख रोजगार देने की घोषणा के खिलाफ छात्रों और नौजवानों का जत्था पटना विधानसभा का घेराव करेगा। राजस्थान के सरदार शहर में एक व्यक्ति का शव घर में बने कुंड में मिला है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बेंगलुरु में बढ़ते गैस सिलेंडर दरों पर बीजेपी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुई। बिहार के मुरलीगंज में स्वर्गीय बालेश्वर प्रसाद सिंह का 7वें पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक के बेलगाम में महिला सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्य के महिला और बाल विकास मंत्री शशिकला भी मौजूद रही। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली पर एक महिला का नौकरी दिलाने के बहाने यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पत्नी सहित हरबीपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना का टीका लगवाया और लोगों से आह्वान किया है कि वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं। राजस्थान के डाबी में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक युवक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे विधायक नीरज शर्मा समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घर में नजरबंद किया। मुजफ्फरनगर में समाजवादी युवजन सभा के गठन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान के भीनमाल में एक महिला ने बेटी के अपहरण से आहत होकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चूरू में निजी वाहन स्वामी ऑपरेटर्स की बैठक हुई। बैठक में परिवहन अधिकारी ने बताया कि एमएनएसटी योजना में 31 जनवरी तक बकाया टैक्स 31 मार्च तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी राशि में छूट दी जाएगी। जयपुर में आयोजित ग्रेपर लिंक चैंपियन में
धौलपुर के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीते। प्रिंसिपल ने मेडल पहनाकर बच्चों को मिठाई खिलाई। फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योगपतियों के संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि जल्द ही उद्योगपतियों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों की तरफ से खड़ी फसल में चलाए जा रहे ट्रैक्टर को हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने वामपंथियों की साजिश बताई है। झारखंड के गिरिडीह में डीसी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन रूम साफ सफाई और अन्य चीजों का निरीक्षण किया। हरियाणा के पानीपत में दो पक्षों के आपसी झगड़े में बीच बचाव कराना एक युवक को भारी पड़ गया। उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फैक्ट्रियों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के देवघर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के सिवान में अपराधियों ने हथियार के बल पर दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया और अपराधी 45,000 नकदी और 10,000 मोबाइल लेकर फरार हो गए। बिहार के पूर्णिया में ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बिहार के अररिया में संदिग्ध अवस्था में आरोपित युवक की थाने में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यूपी के अमरोहा में कुएं की ईंट निकलवाते समय मिट्टी की ढांग के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। बिहार के बनमनखी में पुलिस ने स्मेक तस्कर गिरोह को खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में स्मेक बरामद हुई। राजस्थान के जालौर में अवैध माइंस बंद करवाने को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और कहा कि शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। पानीपत में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने परिवार के साथ मिलकर 15 लाख रुपए नहीं देने के पर युवक का रेप केस में फंसा दिया है। सेंसेक्स 453 अंक की तेजी के साथ 50,749 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वही निफ्टी 141 अंक ऊपर 15,060 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा नहीं हुआ है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए पर बिक रहा है। इंश्योरेंस कंपनियों में रिजर्व बैंक बैंकों की हिस्सेदारी को 20% पर सीमित करना चाहती है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। जीवन बीमा पॉलिसी के यूजर्स के लिए अच्छी खबर आई है। इसके यूजर्स की वेबसाइट से ऑनलाइन पॉलिसी की स्थिति की जांच कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार समय समय पर पॉलिसी की स्थिति की जांच करना उतना ही जरूरी है जितना कि पॉलिसी खरीदना। MTAR चेक IPO कल सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इसे 5 मार्च तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। कंपनी ने इस IPO के लिए 574 से 575 रुपए प्रति शेयर प्राइस बैंड निर्धारित किया है। इस IPO के तहत एक लॉट में 26 शेयर रखे गए हैं। इससे पहले IPO में IRFC, इंजेगो पेंट्स, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शामिल है। नेट बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में SBI ने अपने ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक हैकर्स के निशाने पर खास तौर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहर हैं। दुनिया में कोरोना से अब तक 11.5 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इस महामारी से 25.5 लाख लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में आंकड़ों की बात की जाए तो अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.93 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही अब तक 5.2 लाख लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कुर्ज ने साफ कर दिया है कि यूरोपीय देशों में वैक्सीन की रफ्तार काफी धीमी हो गई है, इसलिए अब वो इस समस्या को निपटाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से इजराइल की मदद के लिए फैसला किया है। कोविड-19 वैक्सीन की सिंगल डोज मंजूरी के बाद जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने अगले कदम का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि सुरक्षा की जांच के लिए वैक्सीन पर बच्चों पर ट्रायल किया जाएगा। कोरोना वायरस के मामलों में संभावित चौथे उछाल की आशंका की जा रही है। CDC प्रमुख ने इस सिलसिले में उम्मीद जताई है कि हिफाजती उपायों के जरिए मामलों को रोकने के लिए अमेरिका सक्षम है। भारतीय मूल की नीरा टंडन के नाम पर सीनेट ने रोक लगाई। दरअसल रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सांसदों ने उनका विरोध किया था। ऑस्ट्रेलियन संसद रेप के आरोपों से पूरी तरह से हिल चुके हैं। PM मॉनसिन ने कहा वर्क प्लेस कल्चर को ठीक करने की जरूरत है। भारत और अमेरिका समेत 7 देशों की एयरफोर्स आज से वर्क फेयर एक्सरसाइज करेगी। यह 27 मार्च तक चलेगी।
पत्रकार जमाल खागोसी की तुर्की के मंगेतर ने कहा, एक निर्दोष व्यक्ति की निर्मम हत्या का आदेश देने वाला सऊदी क्राइम प्रिंस को बिना किसी देरी के दंडित किया जाना चाहिए। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी पर हमला हुआ है। फिलहाल अमेरिका ने रूसी अधिकारियों और व्यापारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2 महीने से जेल में बंद बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता को जमानत मिल गई है। दरअसल पार्थो पर पैसे लेकर चैनल की जीआरपी बढ़ाने का आरोप लगा है। एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में दर्ज 3 क्रिमिनल केस के लिए कंगना ने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें शिमला ट्रांसफर करने की गुजारिश की है और कहा, मुंबई में शिवसेना नेताओं से जान का खतरा है। पंजाब के एक युवक ने एक्टर अजय देवगन की कार रोककर उन्हें 15 मिनट तक फिल्म सिटी में जाने नहीं दिया, जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राणा दग्गू बाते की हाथी मेरे साथी का ट्रेलर आज वर्ल्ड वाइल्ड डे पर मौके पर 3 शहरों में लाइव लॉन्च किया जाएगा। सलमान खान स्टारर राधे की डिस्ट्रीब्यूशन, वीडियो स्ट्रीमिंग और म्यूजिक राइट्स 235 करोड़ रुपए में बिक गए हैं। इस तरह के डील को अम्ब्रेला डील कहा जाता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट कल से शुरू होगा, जिसमें टीम इंडिया के पास आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की सबसे सफल टीम बनाने का मौका होगा। दुनिया के बेस्ट टेस्ट ओपनर रोहित शर्मा बने, जिन्होंने 10 टेस्ट में ओपनिंग कर 981 रन बनाए। रिटायरमेंट के कगार पर पहुंच चुके साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर डेल स्टेन ने एक विवादित बयान दिया। डेल ने कहा, आईपीएल में क्रिकेट की जगह बड़े नाम और पैसे पर जोर दिया गया है। पिच कंट्रोवर्सी पर टीम इंडिया के वाइस कैप्टन रहाणे बोले, चौथे टेस्ट की पिच भी दूसरे और तीसरे टेस्ट की तरह ही होगी। स्पेन में खेले जा रहे बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मैरी कॉम और अजित पंगाल समेत 12 बॉक्सर्स को डायरेक्टर क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली है। अभी के लिए इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।